अब इसको मैं करूँगा हैंड टैम, इंशाल्लाह अब मैं करूँगा इसको हैंड टैम, ये प्रॉपर तरीके से हैंड टैम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो भाई जो भी आपका भाई व्लॉग में बोलता है वो करके दिखाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक पिजन का बच्चा लेकर आऊंगा और उसको मैं करूंगा हैंड टैम, और मेरा दोस्त था उससे मैंने कबूतर लिया बच्चा, और ये देख सकते हैं आप, ये देखें भाई, ओए होए 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 होए, माशाल्लाह कितना प्यारा है। ओए ओए डरो नहीं, ये देखे भाई, ये देखो भाई डर रहा है बेचारा मुझसे। ओए होए 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 होए, अब इसको मैं करूँगा हैंड टैम, इंशाल्लाह अब मैं करूँगा इसको हैंड टैम, ये प्रॉपर तरीके से हैंड टैम हो जाएगा। फिर मैं जिसको जहाँ भी बुलाऊँगा अपने हिसाब से तो मेरे पीछे पीछे ही आएगा, है ना, ऐसी बात है ना, आओगे ना मेरे पीछे। माशाल्लाह कितना प्यारा है तो बहुत प्यारा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगा, दाना पानी अपने हाथों से खिलाऊँगा तो ये ट्रेंड हो जाएगा। अभी देखो कैसे मेरे ऊपर बैठा हुआ है, फ्रेंडली हो जाएगा, आज इसका पहला दिन है तो देखते हैं धीरे धीरे फ्रेंडली मेरे साथ हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसको हम बाइक पे भी ट्रेनिंग देंगे, और उसके अलावा जहाँ भी जाऊँगा मैं उसको अपने पास बुलाऊँगा तो इंशाल्लाह वो मेरे पास आएगा। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये देखें इसमें पड़ा हुआ है, ख़राब ना हो जाए यार। ओए होए होए होए, आराम से खोलते इसको, किधर यार अंडा, ये देखें अंडा पड़ा हुआ है, एक ही अंडा है ये। और ये दूंगा मैं अपने बजीज को, इंशाल्लाह वो उसके ऊपर बैठेंगे और इसके और बच्चा हैच होगा इनका इंशाल्लाह। मुझे पता है कि ग्रीन पैरट के बच्चे को बजीज फीड नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं है, एक दो दिन बाद उसको फीड लाजमी कराएंगे क्योंकि छोटा बच्चा होगा, उन्हें क्या पता कि ये किसका बच्चा है। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपने हाथों से उसको खिलाऊंगा, फीड कराऊंगा। किधर जा रहे हो भाई, ओए होए होए होए, किधर किधर किधर, ये देख किस तरह से मस्ती कर रहा है, बैठो इधर इधर बैठो, चुप करके बैठो, चुप करके बैठो। ओ भाई शाबाश, ऐसे हाँ ऐसे ट्रेंड करूंगा इंशाल्लाह। हाँ ऐसे ही हाथ पर बैठे रहो बस, और कुछ नहीं बैठा, सही है, गुड हो गया। अभी मैं अपने केज के अंदर हूँ और ये देख सकते हैं आप, ये बच्चा इधर बैठा हुआ है कबूतर का, और ये चारों बजीज निकले हुए हैं, और इसमें इस मटकी के अंदर मैंने एक अंडा रख दिया, दूसरा एक खुद का है इनका, और एक मैंने ग्रीन पैरट का रख दिया है। इंशाल्लाह देखते हैं इसका बच्चा होता है या नहीं होता, यार ये तजर्बा है किस्म का, मुझे पता तो नहीं है कि इनके बच्चे होंगे या नहीं होंगे। और ये देखें किस तरह से सुकून में बैठा हुआ है ये, इसको भी कोई परेशानी घबराहट नहीं हो रही। अभी इस कबूतर के बच्चे को मैं अंदर डालूंगा, इसमें मैंने इसके लिए ये सेटअप बनाया हुआ है। जाओ भाई अंदर जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, जाओ। ये देखिए भाई अभी ये आराम से बैठेगा इधर, इसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, यहाँ इसके लिए बड़ी जगह है ये। इस ब्लॉग का हम यहाँ पर करते हैं एंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।